है एवरीवन, तो आज हम कटहल के अचार की रेसिपी शेयर करेंगे जो हमने गर्मियों में बनाई थी और इसको डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो हमने सबसे पहले कटहल लिया और उसको धो करके कुकर में डाल लिया है नमक और पानी के साथ। हम एक ढक्कन लगाएंगे और गैस पर रखेंगे, एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसको धूप में सुखा देंगे। इसका पानी सूख जाए, बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर ना बचे ताकि ये ख़राब ना हो। और उसके बाद ये देखिए सुखा लिया मैंने एक दिन। और फिर इसमें हमने डाला है हल्दी, नमक जो अचार के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सोडियम बेंजोएट और ये अचार मसाला। अचार मसाला तो मैंने बना के रखा था, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी भी वीडियो अलग से बना के डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा मतलब बनता है, कई सारी चीज़ें पड़ती हैं। और इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा एसिटिक एसिड या वाइट विनेगर, आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। अचार में सरसों का तेल ही सबसे ज़्यादा सही होता है, वैसे आप जो भी प्रेफर करते हैं कुकिंग ऑयल को डाल सकते हैं, लेकिन अगर सरसों का तेल हो तो वो बेस्ट है। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर रहे थे स्पून से, जो कि ठीक से नहीं बन रहा, तो हमने देसी तरीका भी अपनाया क्योंकि ये तरीका सबसे ही आसान है हाथ से मिक्स कर। हाथ से अच्छा किसी भी चीज़ से मिक्स नहीं हो पाता है, तो हमने इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स किया। और उसके बाद इसको हम रख लेंगे एक जार में, स्टोर कर लेंगे। और वो भी ये मैंने थोड़ा सा बनाया है इसलिए मैंने इसमें तेल ज़्यादा नहीं डाला। अगर आपको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप ज़्यादा तेल इसके अचार के बराबर तो ज़रूर डालिए, और एक से दो दिन धूप में रख दीजिए, और उसके बाद एक हफ्ते बाद आप आराम से खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।